दिग्विजय सिंह का ये अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। दिग्विजय का ये अंदाज बिल्कुल नया और चौंकाने वाला है। दिग्विजय सिंह बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगा रहे हैं और वो भी फोन को लाउड स्पीकर मोड पर रखकर, ताकि सभा में मौजूद लोग भी सुन सके कि दोनों के बीच क्या बात चल रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह इसलिए भड़क गए क्योंकि उनके भाषण के दौरान बिजली चली गई। इस बात से वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना फोन निकाला और लाउड स्पीकर मोड पर रखकर माइक से सटा दिया और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डांटने लगे। किसान लोग क्या हिसाब से हर वक्त फोन करना पड़ेगा क्या? अरे किसी का हो मैं नहीं जानता, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। जब बिजली सरप्लस है इस प्रदेश में तो क्यों हम लोगों की बदनामी कर रहे हैं आप लोग? अरे किसी का हो मैं 132 और 11 में नहीं जानता। मैं शिकायत कर रहा हूँ आपकी और सबकी, बाकी आप जानिए और आपका काम जानिए। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी ने जिन लोगों को आउटसोर्सिंग पर रखा है वो लोग जानबूझकर कांग्रेस की रैली के दौरान बिजली काट दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कई कर्मचारी लाइट काटकर खुद ही अपने मोबाइल से एसएमएस करते हैं, कांग्रेस आई बिजली गई। ये सब खेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी जो खुद बिजली काटते हैं और फिर एसएमएस भेजते हैं। कांग्रेस आई बिजली गई। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।